बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया है असेंबली लैंग्वेज लेक्चर्स की प्लेलिस्ट और आज हमारा है लेक्चर नंबर 12। बेसिकली हमने लेक्चर नंबर 11 में कुछ बेसिक्स फंडामेंटल्स असेंबली लैंग्वेज के डिस्कस किए थे और कुछ बेसिक्स हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 12 में कम्प्लीट कर लेंगे। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 को देखना है और लेक्चर नंबर 11 को देखना है और फिर आपने लेक्चर नंबर 12 पे आना है, ठीक है? क्योंकि ये लेक्चर नंबर 11 का ही पार्ट नंबर 2 है। ओके जी, अब अपने टॉपिक पे मूव करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। इफ़ यू आर विजिटिंग माई चैनल फर्स्ट टाइम, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन। ओके, अब मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक क्या है? जी, आज का हमारा टॉपिक है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? इंस्ट्रक्शंस क्या है? कमांड्स दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू ड्यूरिंग रनिंग टाइम। ये कुछ ऐसी कमांड्स होती हैं जो कि सीपीयू एग्जीक्यूट करता है ड्यूरिंग रनिंग टाइम, जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है। एंड इंस्ट्रक्शंस कंटेन्स, इंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं? फर्स्ट होता है इसमें लेबल, सेकेंड होती है निमोनिक्स, थर्ड होती है ऑपरेंड एंड फोर्थ वन इज कमेंट। लेबल हमारे पास ऑप्शनल होता है, ये जितने भी टर्म्स हैं ना ये हम आगे जाकर प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे, तो अभी आप इसका सिर्फ कमेंट मतलब इसका कॉन्सेप्ट लें। तो निमोनिक्स हमारे पास क्या होता है? अब बस अब ये याद रखें कि लेबल हमारे पास ऑप्शनल होता है, हम यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी यूज कर सकते। जो निमोनिक्स होते हैं ना ये हमारे पास रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे हमने कल के लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जैसे डिजिट्स होते हैं ना, रेडिक्स के बगैर भी काम चल जाता है और प्लस और माइनस के बगैर भी काम चल सकता है, लेकिन डिजिट्स के बगैर काम नहीं चलता। इसी तरह यहाँ पे काम किसके बगैर नहीं चलेगा? निमोनिक्स। निमोनिक्स का इंस्ट्रक्शन में होना लाजमो मुलजूम है, इम्पॉर्टेंट है। और ऑपरेंड हमारे पास क्या आते हैं? डिपेंडेंट ऑन द इंस्ट्रक्शन, कि हमने उसे कैसी इंस्ट्रक्शन दिया। अगर हमें मिसाल के तौर पर अगर हमने इंक्रीमेंट करना है तो इंक्रीमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? एक ऑपरेंड चाहिए। और अगर हमने ऐड करना है तो ऐड के लिए हमें कितने चाहिए? दो ऑपरेंड चाहिए। ये हमारे इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करते हैं कि हम क्या करवाना चाहते हैं, सिर्फ हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। और कमेंट ये भी हमारे पास ऑप्शनल होते हैं, अभी से हम फर्दर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसका सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स इसका देख लें। सिंटेक्स इसका यह है लेबल, ब्रैकेट्स, लेबल और कॉलन, देन निमोनिक्स, फिर ऑपरेंड ब्रैकेट्स में, और फिर ब्रैकेट में पहले सेमी कॉलन है, फिर कमेंट है। तो देखिए कि यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज होता है ना, क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि जब लेबल के साथ ब्रैकेट है, ऑपरेंड्स के साथ ब्रैकेट है और कमेंट्स के साथ भी ब्रैकेट है, तो निमोनिक्स के साथ ब्रैकेट क्यों नहीं है? फिर तो यहाँ पे ब्रैकेट होनी चाहिए थी। देखें यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए नहीं है कि ये भी हमारे पास ऑप्शनल है, ये भी हमारे पास ऑप्शनल है, ये भी हमारे पास ऑप्शनल है, इस वजह से यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं, लेकिन ये हमारे पास रिक्वायर्ड है, ये नेसेसरी है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, इस वजह से यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं यूज हुई। अब आपने क्या करना है? इस सिंटैक्स को याद कर लेना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है लेबल, एक्ट्स एज अ प्लेस मार्कर्स। ये ना हमारे पास प्रोग्रामिंग का है, तो बेसिकली जब हम इसे प्रोग्रामिंग में करेंगे ना तो आपको और समझ आ जाएगी। अब बस इसे समझ लें और जब हम प्रोग्रामिंग कर लेंगे फिर आप इस लेक्चर को दोबारा सुन लीजिएगा, ठीक है? मार्क्स द एड्रेस ऑफ अ कोड एंड डाटा। ये कोड भी हमारे पास प्रोग्रामिंग के इंस्ट्रक्शन है और डाटा भी प्रोग्रामिंग के इंस्ट्रक्शन है, इस वजह से आप इसे भी देख लें और जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो फिर हमें समझ आ जाएगी। फॉलो द आइडेंटिफायर रूल्स, जो हमारे पास आइडेंटिफायर के रूल्स होते हैं ना, जब हम आइडेंटिफायर बनाते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, और या फिर हमने जी आइडेंटिफायर हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, उसमें जितने भी रूल्स होते हैं ये लेबल भी इसे फॉलो करता है। हमारे पास दो टाइप्स के लेबल होते हैं, एक डाटा लेबल होता है मस्ट बी यूनिक, फॉर एग्जांपल माय फंक्शन नॉट फॉलोड बाय कॉलन्स। ये क्या होता है कि हमने डाटा लेबल का मतलब ये होता है कि जब हमने डाटा लेबल
मेन लेबल को यूज करना है तो हमने क्या करना है, मस्ट बी यूनिक, कोई भी यूनिक सा नेम रख लें। फंक्शन, जैसे मैंने एक नेम रखा है माई फंक्शन, नॉट फॉलोड बाई कॉलन्स, इसमें मैंने कोई भी कॉलन्स नहीं यूज किए। और एक हमारे पास डाटा लेबल होता है और सेकेंड हमारे पास होता है कोड लेबल। टारगेट ऑफ जम्प एंड लूप इंस्ट्रक्शन, ये भी हम जम्प और ये लूप आगे जाके डिस्कस करेंगे। और ये देखिए, अगर हमने कोड लेबल में लेबल को यूज करना हो तो हम इस तरह करेंगे, कोई भी लेबल का नेम रख लेंगे और साथ उसका कॉलन लगाएंगे, फॉलोड बाय कॉलन्स। फिलहाल आप बस इसमें यही याद रखें कि जो हमारे पास डाटा लेबल होता है वो यूनिक होता है और वो कॉलन को फॉलो नहीं करता, मतलब उसके बाद कॉलन नहीं आता। और जो हमारे पास लेबल कोड में यूज होता है वो हमारे पास क्या आता है, कॉलन्स को फॉलो करता है। ये बाकी जितनी भी टर्म्स हैं, कोड, डाटा, ये डाटा लेबल, कोड लेबल, ये हमारे पास प्रोग्रामिंग के इंस्ट्रक्शन हैं। इसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे इंशाल्लाह तब क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, निमोनिक्स, इंस्ट्रक्शन निमोनिक्स क्या होते हैं, ये वाले होते हैं जी। निमोनिक्स क्या होता है, जो हम काम करवाना चाहते हैं, हम क्या करवाना चाहते हैं कंप्यूटर से, हम कोई वैल्यू को मूव करवाना चाहते हैं, ऐड करवाना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करवाना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, मतलब हम असेंबली लैंग्वेज से, असेंबलर से जो काम करवाना चाहते हैं, कंपाइलर से, कंप्यूटर से जो भी हम काम करवाना चाहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, निमोनिक्स। और अगर ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन ही नहीं होंगे, हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे पास टू और फाइव है, लेकिन हमें नहीं पता कि हमने उसे मल्टीप्लाई करवाना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है, ऐड करवाना है, मूव करवाना है, जब तक हमारे पास निमोनिक्स नहीं होंगे हम अपना कोई भी काम कंटिन्यू नहीं कर सकते। इस वजह से ये हमारे पास निमोनिक्स क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, हमारे पास ये नेसेसरी होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स कौन से होते हैं, कॉन्स्टेंट एंड कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन। कॉन्स्टेंट का तो पता है ना, टू, फाइव, सिंपल। और एक्सप्रेशन क्या होती है, मिसाल के तौर पर 23, स्टैरिक 44, 45, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन है। ओके, अब आ जाती है हमारे पास रजिस्टर्स। रजिस्टर्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। और बात आ जाती है मेमोरी डाटा लेबल की। हमारे पास थ्री टाइप्स के क्या होते हैं, ऑपरेंड्स, एक कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन, रजिस्टर और मेमोरी डाटा लेबल। ओके, ये जो फर्स्ट वाला है ना, कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन, इसे हम इमीडिएट वैल्यूज भी कहते हैं। ओके, तो ये हमने इंशाल्लाह सब आपको समझ आ जाएगा जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, अब कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स आर गुड। मिसाल के तौर पे आप अपने कोई मैथ्स के नोट बनाते हैं तो आप ये तो नहीं ना करते कि जैसा की बुक पे लिखा है वैसे आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आप क्या करेंगे, आप अपने तरीके से क्वेश्चन लिखेंगे और साथ उसके साथ कुछ ना कुछ लिखते जाएंगे, ताकि आपको बाद में जब आपके एग्जाम्स आएंगे, फिर आपको जब प्रिपरेशन की तैयारी प्रिपरेशन करनी हो एग्जाम्स की, तो आप क्या कर सके, जब वो क्वेश्चन खोल लें, वो पेज खोल लें, तो आपको समझ आ जाए, आपने जो कोई ना कोई कमेंट दिए होंगे, कुछ उर्दू में लिखा होगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या बताया गया है। इसी तरह कमेंट्स होते हैं टू इंक्रीज रीड एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग का कोड लिखा है किसी प्रोग्रामर ने और वो प्रोग्राम स्किप कर जाता है अपने जो कहीं और मूव कर जाता है, तो कमेंट्स का फायदा क्या होगा, कि अगर कोई नया प्रोग्रामर आता है तो कमेंट पढ़ के समझ आएगा कि अच्छा अच्छा इस प्रोग्राम में ये बात की गई है, ठीक है। इसलिए कमेंट्स होना अच्छी बात होती है। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम प्रोग्राम पर्पस, कि हमारा प्रोग्राम क्या है, क्या रहा था, इसका मकसद क्या, मतलब हम अपनी जो हमारे पास, मतलब जो प्रोजेक्ट्स होता है, कोई भी जो हमारे पास वर्क होता है उसे हम अंडरस्टैंड करने के लिए उसके साथ कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, वो हमारे पास बेसिकली कमेंट्स होते हैं। ट्रिकी कोडिंग टेक्निक्स, एप्लीकेशन स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन, मतलब हम इनमें से कुछ भी कमेंट्स में लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सिंगल लाइन कमेंट। टू टाइप्स के हमारे पास कमेंट्स होते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिंगल लाइन कमेंट को, और वो बिगिन विद सेमी कॉलन। एग्जाम्पल इसकी क्या है, देखें, ये हमारे पास एक कमेंट है और वो क्या होता है, बिगिन, शुरू होता है सेमी कॉलन से, तो ये हमारे पास क्या है, सिंगल लाइन कमेंट की एग्जाम्पल। अब हमारे पास बात आती है मल्टी लाइन कमेंट।
बिगिन विद अ कमेंड डायरेक्टिव, कमेंड डायरेक्टिव से स्टार्ट होता है एंड अ प्रोग्रामर चूज एन करेक्टर, और प्रोग्रामर कोई भी करेक्टर को चूज कर सकता है, किसी भी करेक्टर को, एंड विद द सेम प्रोग्रामर चूज एन करेक्टर, और जो यहाँ पे प्रोग्रामर ने करेक्टर को चूज करना है एंड भी उसी पे होगा। ये हमारे पास होता है मल्टी लाइन कमेंट्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स। एग्जाम्पल देखें, सबसे पहले हमारा कमेंट बिगिन किससे होगा, कमेंट डायरेक्टिव से, एंड प्रोग्रामर चूज एन करेक्टर, और प्रोग्राम ने क्या करेक्टर चूज किया है, डॉलर साइन। अस्सलामुअलैकुम, हैप्पी लर्निंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये मैंने कुछ, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, तो इसका मतलब ये मल्टी लाइन कमेंट है। तो आपने क्या करना है, तो एंड भी किससे करना है, जहाँ से प्रोग्रामर ने करेक्टर से स्टार्ट किया होगा। ठीक है, होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एग्जांपल्स, नो ऑपरेंड्स। फॉर एग्जांपल आपने सेट कैरी फ्लैग, आपने कैरी फ्लैग हमने पढ़ लिया हुआ है, अगर आपने कैरी फ्लैग को यूज करना है तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, एस टी सी, और इसके साथ हम कोई भी ऑपरेंड नहीं लगाएंगे। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये आप समझ लें। फिर वन ऑपरेंड में क्या होता है, देखिए हमने प्रोग्रामिंग में पढ़ा हुआ ना कि इंक्रीमेंट कर दें, मिसाल के तौर पे हमने ए को दिया 5 और इंक्रीमेंट कर दिया हमने ए में, तो फिर जब हम ए को रिटर्न करवाएंगे या फिर उसे प्रिंट करवाएंगे तो ए हमें इंक्रीमेंट करके क्या देगा, 6। तो इसका मतलब जो इंक्रीमेंट है वो किसके साथ काम करता है, वन ऑपरेंड के साथ काम कर सकता है। और ये हमारे पास ई ए एक्स, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये रजिस्टर्ड होता है। इंक्रीमेंट माई फंक्शन, ये हमने कोई भी वेरिएबल का नेम रखा है, इसे हम कहते हैं मेमोरी वेरिएबल। फिर बात आती है टू ऑपरेंड्स की, टू ऑपरेंड्स हमें पता है ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, माइनस करने, मल्टीप्लाई करने के लिए हमें टू ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। अब ये ऐड ई बी एक्स इंटू ई सी एल, इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि ऐड कर दें ई सी एक्स की वैल्यू को ई बी एक्स में, और ये हमारे पास क्या है, रजिस्टर रजिस्टर। अब क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट करें माई बाइट में से 29, ये हमारे पास मेमोरी क्या है, ये हमारे पास मेमोरी वेरिएबल है, और इसमें से हम कोई कॉन्स्टेंट को माइनस कर रहे हैं। अब क्या होगा कि हमने माई बाइट को फॉर एग्जाम्पल हमने 30 दिया, तो उसमें से क्या करेगा, 29 को हमने माइनस करना है, तो हमें रिटर्न क्या करवाएगा, 1। ठीक है, ओके। और अब हमारे पास है ऐड कर दें ई ए एक्स को, ये इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको मूव करवा देंगे ई ए एक्स में। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम ई इस कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है 10, तो हमने उसे ऐड करवा देना है ई ए एक्स में। ई ए एक्स में सपोज करें कि 10 पड़ा हुआ है, तो फिर हमें क्या रिटर्न करवाएगा, 120। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये रजिस्टर्ड यूज हो रहा है, हमारे पास कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन है। ठीक है, होप्स आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन ऑल्सो DM मी ऑन इंस्टाग्राम। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़। ओके जी, आज का हमारा टॉपिक है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, कमांड्स दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय द CPU ड्यूरिंग रनिंग टाइम। ये ऐसी कमांड्स होती हैं